करंट अफेयर्स के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। आज तारीख है हमारी 22 मार्च 2020 और एपिसोड नंबर जो है ये है 603। ठीक है, तो हमारे चैनल्स हैं पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, जिन पर करंट अफेयर्स का ये जो वीडियो है रोज सुबह 4 बजे आपके लिए अपलोड किया जाता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपने इस तरह की जो घंटी है, बेल आइकन है, उस पर क्लिक नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ हमारे जो वेबसाइट्स हैं ssccjilpinnacle.com और baljitdhaka.com, उन्हें भी आप विजिट करें। वीडियो के दौरान भी मैं आपसे काफी सारे रिवीजन प्रश्न पूछती हूँ जो पुराने वीडियो से संबंधित हैं, उनका उत्तर दे ताकि आपको पता चले आपको कितना याद है। और साथ ही साथ वीडियो के अंत में मैं क्विज भी लेती हूँ जिसमें आपसे 2 प्रश्न पूछती हूँ, उसका उत्तर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर देंगे। तो हम शुरुआत को यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं प्रीवियस क्विज से। पहला प्रश्न देखिए, भारत ने हाल ही में किस देश से लगभग 16,000 लाइट मशीन गन्स खरीदने का अनुबंध किया है? तो उत्तर यहाँ पर हमारा है इजराइल। दूसरा क्या है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस 2020 की थीम क्या है? इसकी थीम है फॉरेस्ट्स एंड बायोडायवर्सिटी। पहला प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में विश्वास मत से पहले अपने इस्तीफे की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर कमलनाथ, उनके बारे में है ये प्रश्न। उत्तर यहाँ पर हमारा बी है, बी इज द राइट आंसर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने विधानसभा में एक महत्वपूर्ण विश्वास मत से कुछ घंटे पहले ही इस्तीफे की घोषणा की। 22 विधायकों के इस्तीफे के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फ्लोर टेस्ट बुलाया गया था। जस्टिस चंद्रचूड़ और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने राज्य के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की याचिका पर कमलनाथ सरकार को अपना बहुमत दिखाने के लिए 1 दिन से भी कम समय दिया। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि 16 बागी विधायक विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर हमारा क्या है, आंसर यहाँ पर हमारा मध्य प्रदेश है। यहाँ पर आप कमलनाथ की तस्वीर देख सकते हैं और अब यहाँ पर मैप में देखो मध्य प्रदेश, ये हमारा राज्य है मध्य प्रदेश। भोपाल राजधानी है, लालजी टंडन गवर्नर है, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची और खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स यहाँ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आते हैं। फिर गांधी सागर डैम जो चंबल नदी पर है, इंदिरा सागर डैम जो नर्मदा नदी पर है, वो यहाँ पर महत्वपूर्ण बांध है। नेशनल पार्क्स में कान्हा टाइगर रिजर्व, पाना नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। ये जानकारी थी इस प्रश्न के बारे में। एक अब आपको मैं और प्रश्न करा रही हूँ मध्य प्रदेश के बारे में। प्रश्न जो है वो ये है कि मध्य प्रदेश जो है उसने मिर्च की निमारी ब्रांड को, ब्रांड का नाम क्या है, निमारी ब्रांड, उसको बढ़ावा देने के लिए मिर्च उत्सव का आयोजन किया है। अगला प्रश्न देखो, यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है, विश्व जल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है, विश्व जल दिवस। सेकंड क्वेश्चन है, आंसर यहाँ पर है 22 मार्च, 22 मार्च को मनाया जाता है। उत्तर यहाँ पर हमारा सी है। जल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 22 मार्च को हम विश्व जल दिवस हर साल मनाते हैं। थीम क्या है इस बार, थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। ये जो है ये हमारी थीम है, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। यह थीम दुनिया भर में बदलती जलवायु परिस्थितियों के कारण जल सुरक्षा को मजबूत करने और स्थायी जल आपूर्ति की पहुंच स्थापित करने के तत्काल महत्व पर प्रकाश डालती है। यह हमारा दूसरा प्रश्न है और ये देखिए तस्वीर। ओके, यहाँ पर आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को। यहाँ पर आपसे एक प्रश्न पूछ रही हूँ, अभी हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस 2020 मनाया गया, ये मनाया गया था 3 मार्च को, इसकी थीम क्या थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र की खुशहाली, विश्व खुशहाली रिपोर्ट में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है? कितना बढ़िया प्रश्न है कि दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताइए। तो दुनिया का जो सबसे खुशहाल देश है वो है फिनलैंड। आंसर यहाँ पर हमारा क्या है, फिनलैंड जो है ये हमारा राइट आंसर है।
संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली रिपोर्ट में फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश है। भारत की कौन सी पोजीशन है ये भी जान लीजिए, भारत जो है वो 144वें स्थान पर है। फिनलैंड के बाद डेनमार्क आता है, डेनमार्क स्विट्जरलैंड है, सेकंड पोजीशन पर डेनमार्क, थर्ड पोजीशन पर स्विट्जरलैंड है। इस बीच इस साल की रैंकिंग में सबसे नीचे के देश जो हैं वो हिंसक संघर्ष और अत्यधिक गरीबी से पीड़ित हैं, जिनमें जिम्बाब्वे है, दक्षिण सूडान है, अफगानिस्तान है। ये दुनिया के सबसे कम खुश देशों की कैटेगरी में इनको रखा गया है। तो ये जानकारी थी तीसरे प्रश्न के बारे में। यहाँ पर हम फिनलैंड देख लेते हैं मैप में। आप यूरोप देखेंगे तो यहाँ पर ही आपको तीन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज नजर आती है। ये जो है ये हमारा फिनलैंड है। फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी है, करेंसी यहाँ पर जो है वो यूरो है। अब आपसे मैं एक यहाँ पर प्रश्न पूछना चाहूंगी। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय खुशी दिवस भी मनाया गया, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे, ये कब मनाया गया? इसकी तारीख जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम जो है वो शुरू की है? ये जो स्कीम है ये शुरू की गई है नई दिल्ली के द्वारा। तो आंसर यहां पर जो है हमारा बी है, बी राइट आंसर होगा। हाल ही में नई दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने वकीलों के लिए मुख्यमंत्री एडवोकेट वेलफेयर स्कीम जो है इसकी शुरुआत की है। ये जो स्कीम है इसके तहत वकीलों के कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा। सरकार ने स्कीम के लिए कुल 50 करोड़ रुपए का बजट भी निर्धारित किया है। स्कीम के तहत वही वकील ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे जो दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हैं, दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्टर्ड है और दिल्ली के मतदाता है। आधिकारिक सूचना के अनुसार स्कीम के तहत वकील, उनकी पत्नी और 25 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको 5 लाख का ग्रुप मेडिक्लेम का लाभ मिल सकेगा। साथ ही वकील को 10 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज भी दिया जाएगा। तो ये जानकारी है चौथे प्रश्न के बारे में। यहाँ पर आप देखिए चीफ मिनिस्टर एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम। आगे चलते हैं। पद्मश्री अवार्डी प्रदीप कुमार बैनर्जी, इनका हाल ही में निधन हो गया है। आप मुझे बताइए कि वो कौन से खेल से जुड़े हुए थे? वो जुड़े हुए थे फुटबॉल से। आंसर यहाँ पर हमारा जो है वो फुटबॉल है। फुटबॉल हमारा राइट आंसर है। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी प्रदीप कुमार बैनर्जी, इनका कलकत्ता में निधन हो गया। ये 83 वर्ष की इनकी उम्र थी। ये देखिए यहाँ पर इनकी तस्वीर है। 1990 में प्रतिष्ठित पद्मश्री से इन्हें सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1960 में रोम ओलंपिक में भारत का नेतृत्व किया था, 1956 में मेलबर्न ओलंपिक में भारत का नेतृत्व किया था और साथ ही साथ बैनर्जी ने 1962 में एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी जीता। ये जानकारी है इनके बारे में। और अब एक रिविजन क्वेश्चन। रिविजन क्वेश्चन में मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ ध्यान से सुनिए और कमेंट सेक्शन में उत्तर दीजिए। एशियाई फुटबॉल परिसंघ यानी कि AFC, एशियाई फुटबॉल परिसंघ जो है 2022 महिला एशियाई कप की मेजबानी जो है वो कौन सा देश करेगा? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। और आपको मैं हिंट दे रही हूं कि जो हमारा साउथ एशिया है, दक्षिण एशिया, वहां पर ये जो कंट्री है, होस्ट कंट्री, ये लोकेटेड है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? शपथ ली है जस्टिस भूषण पी धर्माधिकारी। आंसर यहां पर हमारा क्या है? आंसर जो है 6th के लिए बी हमारा राइट आंसर है। महाराष्ट्र के राज्यपाल जो है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा जस्टिस भूषण पी धर्माधिकारी को बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई गई। न्यायमूर्ति धर्माधिकारी को पिछले महीने उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। ये जानकारी प्रश्न 6 के बारे में और यहाँ पर आप तस्वीर उनकी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपसे मैं एक प्रश्न भी पूछना चाहूंगी, आप उसका उत्तर फिर मुझे कमेंट सेक्शन में देना। रिवीजन क्वेश्चन है। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व मुख्य न्यायाधीश को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, वो कौन से पूर्व मुख्य न्यायाधीश है? उनका नाम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ। आगे देखिए, 7 महाद्वीपों के उच्चतम ज्वालामुखियों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? पहले भारतीय बने हैं सत्यरूप सिद्धांत। आंसर यहां पर हमारा जो है बी होगा। 7 के लिए आंसर बी है।
दुनिया के सात ज्वालामुखी शिखर को फतेह करने वाले पहले भारतीय पर्वतारोही सत्यरूप सिद्धांत का नाम जो है लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया। भारतीय पर्वतारोही सिद्धांत ने सात महाद्वीपों में से प्रत्येक के उच्चतम जो ज्वालामुखी है उस पर चढ़ने का इन्होंने कारनामा किया। क्वेश्चन 7, ये देखिए ये तस्वीर है सत्यरूप सिद्धांत की। सात चोटियां सात ज्वालामुखियों के शिखर पर चढ़ने के लिए दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही के रूप में भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। युगांडा गणराज्य में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है अजय कुमार को। आंसर यहां पर हमारा सी है। अजय कुमार को युगांडा गणराज्य में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। 2001 के बैच के अजय कुमार विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में काम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8, किस देश ने सार्क फंड के लिए 100 मिलियन रुपए की प्रतिबद्धता की है? ये आपको बताना है। ये हमारा नौवां प्रश्न है और ये जो प्रतिबद्धता की है, ये प्रतिबद्धता की है नेपाल ने। आंसर यहाँ पर हमारा जो है डी है, नेपाल। नेपाल ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा निर्धारित सार्क फंड के लिए 100 मिलियन रुपए का भुगतान किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कोरोना वायरस पर सार्क नेताओं के वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए फंड के लिए राशि का योगदान करने के लिए प्रतिबद्ध किया है। भारत ने 10 मिलियन डॉलर के सार्क आपातकालीन घोष की घोषणा की। इस निधि का उपयोग मालदीव, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका को विभिन्न चिकित्सा आपूर्ति, परीक्षण उपकरण और सैनिटाइजर और अन्य वस्तुओं की आपूर्ति के लिए किया जाएगा। प्रश्न 9, बात हुई है यहाँ पर हमारे पड़ोसी देश नेपाल की। नेपाल के प्रधानमंत्री, नेपाल के राष्ट्रपति, नेपाल की राजधानी, सब मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। अगला प्रश्न देखो, साओरी योशिदा और तादाहिरो नोमुरा, इन्होंने जापान में ओलंपिक मशाल को जलाया है। आप बताइए कि ये कौन से खेल के पूर्व ओलंपिक चैंपियन हैं? ये जूडो के पूर्व ओलंपिक चैंपियन हैं। आंसर यहाँ पर हमारा जो है वो सी है। कोरोना वायरस के कारण ओलंपिक के आयोजन को लेकर काफी प्रश्न उठ रहे हैं, एक अनिश्चितता का माहौल बन गया है और इसी बीच जो ओलंपिक मशाल है वो जापान पहुंच गई है। विशेष लालटेन से ढकी मशाल चार्टर्ड उड़ान से यहाँ पहुंची है। पूर्व ओलंपिक जूडो चैंपियन जो है साओरी योशिदा और तादाहिरो नोमुरा ने पारंपरिक कुंड में मशाल प्रज्वलित की। मशाल का स्वागत बहुत ही सादे समारोह में किया गया है। तो ये थी जानकारी प्रश्न 10 के बारे में और यहाँ पर आप इन दोनों की तस्वीर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सभी प्रश्न हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं समरी कीवर्ड्स पर। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। वर्ल्ड वाटर डे हम मनाते हैं 22 मार्च को। वो दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है। उसके बाद नई दिल्ली के में जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स एडवोकेट वेलफेयर स्कीम की घोषणा की है। पद्मश्री अवार्डी प्रदीप कुमार बैनर्जी का निधन हो गया है, ये फुटबॉल से जुड़े हुए थे। भूषण पी धर्माधिकारी जो हैं ये चीफ जस्टिस बने हैं बॉम्बे हाईकोर्ट के। पहले भारतीय जो दुनिया की हाईएस्ट वोल्केनोस पर, जो कि 7 कॉन्टिनेंट्स में है, उन पर उन्होंने चढ़ाई की है, इनका नाम है सत्यरूप सिद्धांता। हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया युगांडा में बने हैं अजय कुमार। 100 मिलियन रुपए सार्क फंड में दे रहा है नेपाल। फिर साओरी योशिदा और तादाहिरो नोमुरा जो हैं इन्होंने ओलंपिक मशाल को प्रज्वलित किया। ओके, इन दोनों ये जो हैं इन्होंने ओलंपिक मशाल को जलाया है और ये जो हैं ये पूर्व ओलंपियन हैं जूडो के। ठीक है, ये पूर्व ओलंपियन है जूडो के। ये हमारे समरी कीवर्ड्स हो गए। आ जाइए क्विज फॉर द डे पर। यहाँ पर देखो आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र की विश्व खुशहाली रिपोर्ट में दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन सा है ये बताएं, और विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में दें। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन पर क्लिक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।